कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो उसके कुछ ऐसे वादे विवादों में छा गए जिन्हें कई राजनीतिक दलों ने अपने निशाने पर ले लिया, और उन्हीं में से एक है जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाला आर्टिकल 370। इस आर्टिकल को लेकर देश भर में चर्चा रही है, और ये वही आर्टिकल है जिसे खत्म करने की बात बीजेपी करती रही है लेकिन अभी तक खत्म नहीं कर पाई है। इसे देश की अखंडता और एकजुटता के लिए खतरा भी बताता जा रहा है। लगातार हमने देखा किस तरीके से बीजेपी जो है इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस इस विवादित आर्टिकल की हिमायती उठी है? पोस्टमार्टम ऑफ 370 की पैदाइश, ये शब्द आपको थोड़े अटपटे जरूर लग सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति और उस राजनीति से जुड़े अलग अलग दल इन बीते दशकों में जिस अंदाज में देश की अखंडता का मानमर्दन करने में जुटे हुए हैं, वो न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सिद्धांत को बीमार बना रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर में 370 जैसी व्यवस्थाएं कायम कर इसी लोकतंत्र को कभी न ठीक होने वाला कैंसर से भी पीड़ित कर रहा है। ये कैंसर कैसे है इसकी बात जरा रुक के करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जिसे देश का अभिन्न अंग माना जाता है, वहां पर लागू आर्टिकल 370 क्या है और क्या कहता है, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। देश के बाकी राज्यों में जहां एकल नागरिकता है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देता है। जम्मू कश्मीर है तो वैसे देश का अभिन्न अंग, लेकिन यहां का राष्ट्रध्वज अलग है। यहां पर विधानसभा का कार्यकाल भी बाकी राज्यों से अलग 6 साल का होता है। जम्मू कश्मीर में अगर कोई तिरंगे का अपमान करे तो यह अपराध नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की महिला किसी अन्य राज्य में विवाह कर ले तो जम्मू कश्मीर में उसकी नागरिकता ही खत्म कर दी जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तानी से शादी कर ले तो उस पाकिस्तानी को अपने आप जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में आरटीआई के तहत आप कोई जानकारी भी नहीं मांग सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू जो कि अल्पसंख्यक हैं, उन्हें 16% आरक्षण भी नहीं दिया जाता। कश्मीर में देश के बाकी किसी राज्य के लोग प्रॉपर्टी तक नहीं खरीद सकते हैं। आर्टिकल 370 जिसे जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार भी कहा जाता है, वही विशेष अधिकार यह भी कहता है कि जम्मू कश्मीर में चाहे भारत देश का कितना भी अपमान किया जाए, चाहे भारतीय झंडे की रुतबे का ही अपमान किया जाए, लेकिन ऐसा करने वाला अपराधी नहीं होगा। शायद आपका खून खौल उठने के लिए यही काफी नहीं होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर नारे भी लगाए जाने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके अकबर लोन खुले तौर से कह चुके हैं कि अगर कोई पाकिस्तान को एक गाली देगा तो वो उसे भी 10 गालियां देंगे। मैंने बोला उसके जब उसने ऐसे उन्होंने कहा तो मैंने बोला उसमें क्या। ये वही है जिसने विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, लेकिन ये आर्टिकल 370 की माया ही है कि ऐसे पाकिस्तान परत नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि अगर उसकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत में आर्टिकल 370 खत्म नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आर्टिकल 370 की शह पाकर ऐसा करने वाले पाकिस्तान परस्तों को हम अपनी विधानसभा या फिर आगे अपनी संसद में देखना चाहेंगे? क्या इनका हमारे पास पाकिस्तानी प्रेमी कश्मीरी नेताओं और अलगाववादियों का कोई इलाज नहीं है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाने वाले अकबर लोन, जिनके इस हरकत पर हालांकि उसकी निंदा तो खूब हुई, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। साल 2018 में हुए इस वाकये के बाद दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात तो जरूर याद आती है, जब उन्होंने 90 के दशक में विस्थापित हो रहे कश्मीरी पंडितों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने इस दौरान एक बात कही थी कि जम्मू कश्मीर से यहाँ के वो रहवासी कश्मीरी पंडित ही विस्थापित नहीं हो रहे, बल्कि वो लोग भी विस्थापित हो रहे हैं जो यहाँ की फिजा में भारत माता की जय बोला करते थे और जिनकी आस्था अटूट भारत में थी। करीब 3 दशक पहले जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने जो खूनी खेल खेला और जिस अंदाज में गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बनाया, उसके बाद वहां से 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मजबूरन विस्थापित होना पड़ा। मौजूदा दौर की बात की जाए
तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के करीब 1 लाख से ज्यादा वोट हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कश्मीरी पंडितों को मतदान करने के लिए एम फॉर्म और 12C फॉर्म भरने होते हैं। इनमें से एम फॉर्म के जरिए यह डिक्लेयर करना होता है कि वो मतदान में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, जबकि फॉर्म 12C के जरिए कश्मीरी पंडितों को यह बताना होता है कि वो मतदान केंद्र से या पोस्टर बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। लेकिन इन हालात के पनपने और उनमें सुधार न करते हुए वैसे का वैसे ही बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रहने वाली पार्टियां भी कहीं ना कहीं उतने ही जिम्मेदार हैं। किसी ने भी इन बीते 30 सालों में किसी भी कश्मीरी पंडित को लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। शायद उन्हें डर इस बात का है कि ऐसा करने से कहीं घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की अहमियत वापस से न बढ़ जाए। अगर जम्मू कश्मीर के सियासी वोट बैंक को अलग ढंग से देखा जाए तो यहां पर अगर विस्थापित कश्मीरी पंडित चुनाव में अगर पूरी तरह से अपनी भागीदारी दें तो ये कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी आ सकते हैं और कश्मीर के समीकरण को भी बदल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये अलगाववादियों और पाकिस्तान से खास लगाव रखने वाले कश्मीरी नेताओं की सियासी सेहत के लिए भी बेहतर नहीं होगा। लिहाजा वो राष्ट्रवाद और उससे प्रेरित करने वाले ऐसे तमाम तत्वों को हमेशा से कमजोर बनाए रखने की कोशिशें करते रहे हैं। यहां तक कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता विरोधी होते हुए भी कश्मीर के अपने एंगल वाले मुद्दे पर एक हो जाते हैं, जिसकी शह उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि आर्टिकल 370 के जरिए मिलती है। ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि क्या जो गलती या जम्मू कश्मीर के स्टेटस को लेकर जो फैसला नेहरू युग में लिया गया था, क्या उसे अब हालात को सुधारने के नजरिए से उसमें बदलाव और उस बदलाव को क्या कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है। राजनीति डेस्क के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट।